हेलो एवरीवन। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज हम अपने अंतिम कुछ टॉपिक्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और इस वीक हम यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीक आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु को हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि तो इस समय ज़्यादा शेष बचा नहीं है, एक ही मंथ बचे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में मोस्टली हमने सारे टॉपिक, बड़े टॉपिक रिविज़न कर लिए हैं और सामान्य विज्ञान उसमें अंतिम यहाँ पर कुछ विषय वस्तु के रिविज़न के तौर पर होगा। करंट अफेयर्स के लिए जिस सभी बच्चे यहाँ पर जो रिविज़न कर रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स को, जो टॉपिक्स आपको क्वेश्चन आंसर MCQ आती है उसको ज़रूर देखते रहें। उसके माध्यम से आपका करंट अफेयर्स का रिविज़न भी यहाँ पर साथ साथ चल रहा है और घटनाचक्र के माध्यम से आपका GS का रिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट अपना जो भी रिवीजन है वो कर लेंगे। तो चलिए आज के अपने अंतिम सेशन में विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सभी लोग यहाँ पेपर पेन लेकर जरूर बैठें, जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहे हैं उनको वहाँ पर टिकआउट करें। एट द लास्ट आपको सबमिट करना है कितने आपके आंसर यहाँ पर राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेयर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। आपका आंसर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड हैं। समय को सदुपयोग करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, समझें और उसके बाद अपना आंसर बताएं। चलिए आंसर दीजिए सभी को। चलिए सभी लोग आंसर टिक करेंगे। पहले का आंसर है आपका डी, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर दोनों ही सही यहाँ पर आंसर पूछा गया था, दोनों ही यहाँ पर आंसर गलत हैं। सभी लोग टिक करिए, पहले का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर टू, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अनुसंधान करने का निहितार्थ क्या है? ए, असैनिक परमाणु रिएक्टर के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। बी, सैनिक परमाणु प्रतिष्ठान के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। सी, देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। या डी, देश स्वतः का सदस्य बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर टू, चलिए आंसर चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। सभी लोग यहाँ पर जो लोगों ने आंसर दे दिया है बाकी लोग अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का सभी लोग आंसर टिक कर लीजिए, मिलान करिए। यहाँ पे आंसर है आपका ए, असैन्य परमाणु रिएक्टर के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के लिए यहाँ पर आंसर सभी लोग टिक करें, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएँ हैं? ए, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को सीमित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत है। तीसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमानों पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल तीन और डी है एक दो तीन। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए, ABCD का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताएं। चलिए मिलान करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री का सभी लोग आंसर यहां पे, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है आपका सी, केवल तीसरा ही यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर तीन का सभी लोग मिलान कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, क्योंकि इसमें शैवाल आधारित जैव ईंधन के उत्पादन को इंजीनियरिंग के, हाँ ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर टू और थ्री दोनों ही आपका ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी। सभी लोग टेक कर लेंगे, आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या है? ए, यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। बी, यह उपग्रह मार्ग निर्देशन में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है।
सी यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है। डी यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर है आपका डी। जितने लोगों ने आंसर डी टिक किया है सही भी लोग टिक कर लीजिए। विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका डी। सभी लोग यहां पर मिलान करें अगर आपका गलत हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 5, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, फ्लाई ऐश के केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपने अपना टिक करेंगे, मिलान करिए। यहाँ पे आंसर है आपका ए पहला और दूसरा। यहाँ पर ईंधन के ऐश हम दिए, यहाँ पे फ्लाई ऐश रिलेटेड आपके कथन जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग टिक करें, पहला और दूसरा अर्थात आंसर है आपका ए, सभी लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सौर्य शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग तापजनित करने के लिए करती है जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है जबकि सौर तापी प्रक्रिया दृष्ट धारा का जनन करती है। और तीसरा, भारत के पास सौर तापी प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार हैं किंतु प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आप सभी का, जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे आंसर ए टिक किया है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलकीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। चलिए आंसर टिक करिए, 7 का आंसर है आपका ए, किण्वन के द्वारा। तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं मीथेन, इथेन, हेक्सेन। बी है मीथेन, इथेन, हेक्सेन, सेम है। सी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डी है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक ही हैं इसलिए हम इसमें से ए ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, बी सी डी में से इसमें राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। चलिए आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर है आपका सी, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन पहले चेकआउट कर लें। सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? ए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल धारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करती है जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करती है। दूसरा, सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, डी है एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आंसर सभी लोग टिक करेंगे, आंसर है आपका सी, एक और यहाँ पर दो, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ही आपका दो है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अगर चालू नाभिक के रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो सकता है, रिएक्टर यथावत कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 का यहाँ पे आंसर दीजिए, राइट आंसर इसमें से क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग ध्यान से प्रश्न क्वेश्चन को पढ़ें और अपना आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आंसर का मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाता है, तो कंट्रोल छड़ों का कार्य प्रयोग किया जाता है ताकि रिएक्टरों के कार्य को हम धीमा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 होगा। ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस सामान्यतः एचआईवी का संक्रमण पारगमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, संदूषित रक्त या रक्त पदार्थ उत्पादों के संचरण से, प्रदूषित हवा में सांस लेने से, या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए एचआईवी का जो कारण होता है मूलतः आपको पता है, आंसर होगा आपका बी, संदूषित रक्त या रक्तवादों के संचरण के कारण यहाँ पर एचआईवी के फैलने के कारण यहाँ पर यह रीजन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका बी, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको रतौंधी देखिए यहां पे अनुवांशिक नहीं होता, बाकी हीमोफीलिया और रंजकहीनता वर्णांधता जो होती हैं आपको अनुवांशिक होती हैं। तो 11 का आंसर आप सभी लोग टिक करिए, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रदूषक होने वाली बीमारी, ए है पारा, कैडमियम, नाइट्रेट आयन और फ्लोराइड आयन है। दूसरा, बीमारियां हैं मिनीमाटा बीमारी, इटाइटाई बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम और अपच। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी यहाँ पर यह क्वेश्चन होगा आपका 12, नंबर यहाँ पर मिसप्लेस है एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए,
चलिए आंसर टिक करेंगे। 13 का आंसर सभी लोग मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका डी, फ्लोराइड आयन यानी कि अपच। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त आसंचन थक्का में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्त का थक्का किस कारण से जम जाता है? चलिए 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। कोई एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट सबमिट करें सब लोग। चलिए आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका डी, विटामिन के कारण यहाँ पर रक्त का थक्का आपका जनता है। सभी लोग राइट का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? ए, कैंसर के अंतिम चरण में, गर्भ में शिशु की जानकारी, हृदयघात, या बच्चों वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो गोल्डन आवर का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आंसर टिक करेंगे सभी लोग, आंसर है आपका सी, हृदयघात से। तो गोल्डन आवर का जो प्रयोग किया जाता है वो हृदयघात से संबंधित होता है। 18 का आंसर लगाइए सी, सॉरी 15 का आंसर है सी। नेक्स्ट, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण के कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है नाइट्रेट, डी है आर्सेनिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पर जो रोग होता है ये किस कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, सभी लोग यहाँ पे अपने आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए आंसर टिक करेंगे सभी लोग, आंसर है आपका सी, नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी लोग टिक करिए, आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, फास्फोरस 32, गोल्ड 198। शरीर के अंतर्गत अर्बुद उपचार, थायराइड अर्बुद उपचार, श्वेत रक्तिका का उपचार और रेटिना दोषों का उपचार। तो बताइए यहाँ पर कौन सी चीज़ का प्रयोग किस प्रकार के रोगों से संदर्भित यहाँ पर उपचार के लिए किया जाता है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक पहचानना है आपको सुमेलित कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए 10 सेकंड आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए आंसर टिक करिए सभी लोग, आंसर है आपका 17 का डी है, गोल्ड जो होता है रेटिना दोषों का उपचार नहीं होता, ये एक आपकी फसल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 17 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन आंशिक अव्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरेटेबल बाउल सिंड्रोम, या दात्र कोशिका अरक्तता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, निम्न कौन सा एक अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, 10 सेकंड आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं, एबीसीडी का राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर सभी लोग मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है ये आपका अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डेंगू मच्छरों के द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा, प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा गेहूं का लक्षण नहीं है। त्वचा प्रतिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 2 और डी है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19,
चलिए सभी लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका बी, केवल दो यहाँ पर आपके इसका राइट आंसर है, बी आंसर सभी लोग टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, भोजन विषाक्तता का कारण है इकोलाई, सेल्मोनेला बैसिलाई, स्यूडोमोनास या कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, भोजन विषाक्तता के लिए क्या जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका सेल्मोनेला बैसिलाई जो होता है भोजन भोजन विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिनकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, या पौधा है मदार, पार्थिनियम, धान या लेमन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए आंसर टिक कर लीजिए, आंसर है आपका बी, पार्थिनियम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 22, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता, जैसा कि भारत में हुआ। पहला, आर्जिमोन तेल मिलावट, बी सरसों के तेल के साइनाइड अंश, सी धान की भूसी की तेल की मिलावट और डी उजला रंग करने वाली मिलावट। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग मिलान करिए, आंसर है आपका सी, धान की भूसी को तेल मिलावट कारण यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है, ए रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, दूसरा रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, तीसरा रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा, चौथा रक्त में इंसुलिन का अधिक मात्रा। तो नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है, ए है 2 और 4, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका डी, 1 और 3। सभी लोग टिक करिए, 23 का आंसर है आपका डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पादन उत्पन्न होता है, पहला अभावता, तंत्रिका आघात, पेशी दुष्पोषण और प्रमस्तिष्क रक्तस्राव। तो क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए, चलिए आंसर टिक करेंगे, आंसर है 24 का सी, पेशी दुष्पोषण। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका डी, प्राकृतिक वरण। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोफीलिया का एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं जो संकट जो प्रकट भी स्त्रियों में होता है, बी स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है, सी पुरुष करते हैं प्रकट भी स्त्रियों में होता है, डी पुरुष करते हैं प्रकट पुरुषों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का 26 का आंसर बताइए, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या है,
10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करिए, यहाँ पर आंसर है बी, स्त्रियों गर्भ करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है, तो वाहक स्त्रियां होती हैं और रोग जो होता है पुरुषों में होता है, तो 26 आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में माल के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रेशन संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित किससे संबंधित दस्तावेजों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है, ए है ILO, बी है IMF, सी है UNCTAD और डी है WTO। तो क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, GI टैग जो है वो किससे संबंध है, किस संस्था से रिलेट करता है, किससे संबंधित विनियमों को ये लागू करने के लागू किया गया, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करिए, यहाँ पर GI टैग जो होता है वो WTO संबंधित है, भौगोलिक यहाँ पर वस्तुओं के आयात निर्यात उसके भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, तो 27 का आंसर आप सभी का मिलान करिए, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला, यह दोहा विकास एजेंडे और समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, दूसरा, औद्योगिक नीति और संबंध विभाग में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो और डी है ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं, 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका सी, एक और दो, दोनों ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडार्क क्या है, इंडार्क किसका नाम है, ए देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा डिफेंस में अधिष्ठापित रडार सिस्टम, बी हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह, सी भारत द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में सीमित एक वैज्ञानिक या स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, और डी आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला या अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। बताइए इंडार्क का क्या किससे संबंध है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, एबीसीडी का राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका डी, एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की जाती है या इंडिकेशन GI टैग, पहला बनारसी जरी साड़ियों को, राजस्थानी दाल बूटी चूरमा को, तिरुपति लड्डू को, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन या एक दो तीन, तो किसको किसको यहाँ पे GI टैग यहाँ पे प्रदान हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आंसर यहाँ पे टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, पहला और तीसरे को यहाँ पे GI टैग प्रदान हुआ है, तो आंसर टिक करिए 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में आयल जयपर समाचारों में था, क्या है, यह तेलीय पंख बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पर्स के अनुकूल विकास प्रौद्योगिकी है, दूसरा, यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषणों हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, सी यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है, डी यह तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आंसर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी लोग टिक कर लिए, आंसर है आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय आर्गो परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र की ऊपरी सतह, तापमान, लवणता एवं घुलनशील पदार्थों से संबंधित नियमित जानकारी प्रदान प्राप्त करना है, दूसरा, इस परियोजना में नोडल संगठन की भूमिका में महासागर विकास विभाग है, दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, दोनों डी है ना तो एक और ना ही दो।
क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, एबीसीडी इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करेंगे, आंसर है आपका सी, 32 का आंसर है आपका सी यहां पर। चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइंस एंड टेक को कंप्लीट कर लिया है। साइंस एंड टेक भी आपका इस वीक यहाँ पर फिनिश हो गया है, आप सभी इसका रिवीजन कर लीजिएगा मोस्टली यहाँ पर। बाकी करंट के लिए सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करंट के टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर आपको मैं करा रहा हूँ। वीकली करंट अफेयर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीकली करंट अफेयर्स आपको सीरीज चल रही है उसके माध्यम से, वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से हम यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसका यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से आप जरूर यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।